अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हर रोज हम आपको अलग अलग खबरों से दो चार करते हैं। हमारी आंखों के सामने से कई सारे खबरें गुजरती हैं। इनमें से कुछ ऐसी अहम खबरें होती हैं जिनका हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है, तो आइए जानते हैं वो कौन सी खबर। एलओसी पर तनाव के बीच मास्को में मिले भारत और चीन के विदेश मंत्री। सीमा पर तनातनी के बीच शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में भाग लेने मास्को गए विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके शीनी समकक्ष वांग यी के बीच गुरुवार को रात द्विपक्षीय वार्ता समाप्त हो गई है। अगली बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती और शोविक को लेकर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को विशेष कोर्ट फैसला सुना सकता है। विशेष जज जीबी गुराव ने बृहस्पतिवार को भाई बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलील को सुना। अगली खबर नीट परीक्षा 2020 को लेकर है। नीट 2020 में छात्राओं को परीक्षा केंद्र में मोबाइल बैग और किताबें लाने पर रोक लगा दी है। कोविड 19 संक्रमण से बचाव के चलते 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट 2020 और अन्य परीक्षाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को संशोधित एससीओ जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इस विधानसभा चुनाव के साथ एक लोकसभा और राज्य की 63 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर चीन को लेकर है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर तनाव अभी बरकरार है। हालांकि भारतीय सेना यहां लगातार खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और चीनियों की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे रही है।